तो दोस्तों आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं ट्राइसेप्स का वर्कआउट। तो बहुत सारे बिगनर्स ट्राइसेप्स का जब वर्कआउट करते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं, थोड़ी रॉन्ग एक्सरसाइज लगाते हैं, उससे क्या होता है कि ट्राइसेप मसल पर प्रॉपर असर नहीं होता है। तो वो मैं आपको एक्सरसाइजेज बताऊंगा और साथ में क्या आप गलतियां करते हैं, सही उस एक्सरसाइज कैसे करना उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो हमारे साथ है प्रभजोत दोसांझ, इनका पिंड है दोसांझा, दिलजीत दोसांझ के गाँव से है जे। तो ये आपको करके दिखाएंगे एक्सरसाइज, तो मैं जो प्रैक्टिस होगी वो भी आपको बताऊंगा। तो सब दोस्तों का बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप ट्राइसेप्स का। वार्म अप बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि कोई भी आप मसल वर्कआउट करते हैं अगर वार्म अप नहीं करते तो वो हो सकता है मसल इंजर हो सकता है एंड जॉइंट पर भी ज़्यादा प्रेशर आता है। तो सबसे पहले करेंगे हम वार्म अप। चलिए करें वार्म अप। ट्राइसेप की एक्सरसाइज करनी है, एक जनरल वार्म अप होता है, कुत्ता स्पेसिफिक। पहले जनरल वार्म अप करेंगे आर्म्स को मूव करके। तो वार्म अप करने के बाद जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो स्कल क्रश करेंगे क्योंकि हम बारबेल एंड डंबल के साथ ट्राइसेप का वर्कआउट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे स्कल क्रश। तो इसका भी जो स्पेसिफिक वार्म अप होता है, पहले आपने विदाउट प्लेट्स वार्म अप करना है। तो इसने ऑलरेडी वार्म अप कर रखा है। तो सबसे जो पहली एक्सरसाइज है वो स्कल क्रश है जिग जैक रॉड के साथ, ठीक है। तो बिगिनर्स क्या करते हैं, एक्सरसाइज इस तरीके से लगाते हैं। तो इनका देखिए जो एल्बोज है आउटसाइड को है, दिस इज रॉन्ग क्योंकि इससे क्या होगा आपके जॉइंट पर ज़्यादा प्रेशर आएगा, आपके जो ट्राइसेप मसल है उस पर ज़्यादा नहीं आता। तो इसका प्रॉपर तरीका क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो एल्बोज है इनवर्ड रखनी है पैरेलल, ठीक है, करिए गो डाउन। तो आप माथे के ऊपर नहीं लेके आना, थोड़ा सा बैकवर्ड, गुड। देखिए जो एल्बो है आपकी टूवर्ड स्काई होनी चाहिए प्रॉपर 90 डिग्री का, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज लगती है 90 डिग्री के एंगल पर लगती है। तो दिस इज फर्स्ट एक्सरसाइज। इसके आपने 8 से लेकर 12 तक रेपिटेशंस करने हैं एंड इसके 3-4 सेट करने हैं। दिस इज फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो है सिंगल आर्म डंबल एक्सटेंशन, तो वन आर्म के साथ है। तो रॉन्ग कैसे करते हैं वो आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एल्बो भी यहाँ भी एल्बो सीधी नहीं करते, ऐसे ही करते हैं, हाफ मूवमेंट करते हैं एंड एल्बो का एंगल होता है वो सीधा नहीं है। तो सही है, आपने कैसे करनी है, सही है, यस, डाउन अप प्रॉपर। जो एल्बो है बिल्कुल आपकी पैरेलल टू द हेड सीधी होनी चाहिए, यस, वेरी गुड। ये आउटर जो हेड होता है ट्राइसेप का उसके लिए ये एक्सरसाइज है। तो प्रॉपर आपने वेट इतना लेना है कि आपके 8 से लेकर 12 तक रेपिटेशंस लग जाएं। तो ये भी बहुत सारे बिगनर्स इसको रॉन्ग करते हैं, तो बहुत ही अच्छे, वेरी गुड, स्टॉप इट। ये भी आपको पता चल गया कैसे आपने सही करना है, क्योंकि सही एक्सरसाइज नहीं करोगे, सिर्फ आप शो अप करोगे, हैवी वेट उठाओगे, उससे जो मसल है आपका डेवलप नहीं होगा। जस्ट आप वेट उठाने की एक तरह एक्टिंग करते हैं, तो आपने हमेशा ही प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। ये जो एक्सरसाइज बहुत ही स्ट्रेंथ पावर वाली एक्सरसाइज है, अगर आप बेंच प्रेस को इंक्रीज करना चाहते हैं इसको थोड़ा तरीके से एंड हैवी एक्सरसाइज करिए। चलिए करते हैं। पहले आपको बताएँ कि कैसे जो बिगिनर्स होते हैं वो रॉन्ग करते हैं। तो प्रभजोत दोसांझ, पहले आपको बताएंगे कैसे रॉन्ग करते हैं। तो मोस्टली मैंने बिगनर्स भी देखे हैं, एडवांस भी देखे हैं, लोग क्या करते हैं तो जो एल्बोज होती हैं उसको आउट रखते हैं। तो दिस इज रॉन्ग पोजीशन बिकॉज ये जॉइंट पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है, मसल पे कम पड़ रहा है। सही करके दिखाएं, एल्बोज को आपने क्लोज रखना है, देखिए प्रॉपर, दिस इज करेक्ट फॉर्म ऑफ क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। तो आपने हमेशा ही कोशिश करनी है जो थंब ग्रिप है वैसे पकड़ना है, यस, कोई भी एक्सरसाइज लगाते हुए थंब ग्रिप आपने रखनी है, एल्बोस इनवर्ड, वेरी गुड। इसके भी आपने 10 से लेकर 12 तक रेपिटेशंस करने हैं वार्म अप करने के बाद। तो आपने इतना ज़्यादा हैवी भी नहीं उठाना है कि आपके इंजरी हो जाए या फिर आपकी जो फॉर्म है वो करेक्ट ना हो। तो हमेशा ही आपने इतना वेट उठाना है आपके 8 से लेकर 12 तक रेपिटेशंस लगे।
नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है डंबल्स किकबैक, ट्राइसेप की बहुत एक फेवरेट एक्सरसाइज है। प्रभजोत आपको लगा के दिखाएगा एक रॉन्ग फॉर्म में। चलिए प्रभजोत जी, तो बहुत सारे बिगनर्स क्या करते हैं, अपने बाइसेप्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो ये कोई एक मतलब एक रॉन्ग चीज़ नहीं होती बाइसेप को इन्वॉल्व करना, बट हमारा जो मेन फोकस है वो ट्राइसेप पे होना चाहिए। तो सही फॉर्म में आपको ये लगानी है एक्सरसाइज। इसके लिए आपने क्या करना है, पहले तो आपकी जो स्टैंडिंग पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि बॉडी आपकी स्टेबल रहे, चाहे आप सीधे खड़े होइए चाहे आप बेंड हो जाइए। तो जो आपकी एल्बो है उसको आइसोलेट करना है, उस मसल को, ठीक है। गुड इट, चलो वेरी गुड। तो अब आपका जो जोर है प्रॉपर ट्राइसेप पर पड़ रहा है, ठीक है। आप इसको सीधे रहकर भी लगा सकते हैं, बेंड होकर भी। प्रॉपर जो आपका जोर है वो ट्राइसेप आइसोलेट मसल पर होना चाहिए। तो ये आपकी इसकी सही पोजीशन थी, वेरी गुड। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है बेंच डिप्स। ट्राइसेप्स के लिए बहुत ही एक्सरसाइज अच्छी है। तो एक्सरसाइज तो पर मसल के लिए सैकड़ों होती है, लेकिन आपने 5-6 ही करनी होती है, ज़्यादा नहीं करनी। तो बिगनर्स क्या करते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन आपको मैं सिर्फ 5 एक्सरसाइज बता रहा हूँ आज। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, लास्ट हमारी एक्सरसाइज है, वो है बेंच डिप्स ट्राइसेप के लिए एक्सरसाइज। कैसे रॉन्ग करते हैं बिगनर्स वो आप देख सकते हैं पहले, करिए जी। तो ज़्यादातर बिगनर्स क्या करते हैं, तो जो हाथ होते हैं उसको ब्रॉड रखते हैं पहले। तो स्टॉप इट, देखिए अपने हाथ ब्रॉड रखे हुए इसने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज करने हैं अपने हाथ, और करिए क्लोज, ठीक है। बॉडी थोड़ी सी आगे करनी है, बॉडी आगे, पैर सीधे आपको नीचे जाना है प्रॉपर। देखिए दिस इज प्रॉपर फॉर्म ऑफ ट्राइसेप डिप्स, फेस अप। देखिए कैसे आपकी जो एल्बो है प्रॉपर नीचे जा रही है। गुड गुड गुड, वेरी गुड। प्रॉपर ट्राइसेप पर असर हो रहा है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आप लास्ट में जो कर सकते हैं, तो आपने 5-6 की एक्सरसाइज करनी होती, सारी नहीं करनी होती, वेरी गुड। तो दोस्तों ये था ट्राइसेप्स का वर्कआउट। एंड बिगनर्स कौन सी गलतियां करते हैं इसको करते वक्त, तो आपने सही तरीके से प्रॉपर फॉर्म में लगाना है तो आपको प्रॉपर असर होगा। आपने डाइट अच्छी खानी है तब जाकर आपकी ग्रोथ होगी। एंड आपने वेट इतना उठाना है जो आप इजीली 8 से लेकर 12 तक रेपिटेशंस कर पाओ। तो इस टाइम आपने थोड़ा थोड़ा करके फॉर्म को भी आपने इम्प्रूव करना है, एंड वेट भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना है। तो ये जो वीडियो थी आपको पसंद आई होगी। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, एंड मेरी वीडियो पर कमेंट करना, लाइक करना, एंड इसको शेयर भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।